दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज पावर बाय कॉमर्स पॉइंट अकोला। अकोला के पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर जी ने दिव्य हिंदी न्यूज ऐप के दूसरे पोस्टर का अनावरण किया और कहा कि इस आधुनिक न्यूज की दुनिया में दिव्य हिंदी न्यूज भी इस न्यूज ऐप के माध्यम से और भी आधुनिक हो गया। सभी नागरिकों के लिए यह एक उत्तम न्यूज ऐप का पर्याय है जो हर न्यूज देखने पढ़ने के साथ साथ यह न्यूज ऐप खुद हर न्यूज पढ़ के सुनाएगा। सोमवार को जिले के अनेक क्षेत्रों में तेज हवा और हल्की वर्षा से मौसम सुहाना होने के साथ तापमान में क्रमिक गिरावट दर्ज की गई। इस बीच भारतीय मौसम विभाग की ओर से जिले में 20 से 25 तक 51 से 75 मिलीमीटर वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। साथ ही अलर्ट भी जारी किया गया है और नागरिकों से सावधानी बरतने को कहा गया है। आज मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का आयोजन डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के दीक्षांत सभागृह में किया गया था। इस बार योग दिन में करीब 2000 से अधिक महिला पुरुष युवक युवतियों का समावेश था। इसी के साथ जिले भर में कई जगह आज योग दिवस पर भव्य आयोजन किए गए थे। शहर के खड़की क्षेत्र के कौलखेड़ में रविवार की देर शाम बारिश के दौरान बिजली गिरने से बिजली के कई उपकरण जलने से आर्थिक नुकसान हुआ है। इसमें इस परिसर के करीब 20 से 25 बिजली उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 21 जून को सूर्य अधिक से अधिक उत्तर की ओर होता है और उसकी दक्षिण की ओर गति होती है, अर्थात उत्तरायण के बाद दक्षिणायन शुरू होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होती है। 21 जून को दिन 13.5 घंटों से ज्यादा रहेगा। अमृत मुहिम के अंतर्गत दूसरे चरण में जलापूर्ति वितरण पद्धति एवं भूमिगत गटर योजना का ब्यौरा DPR तैयार करने के लिए मनपा प्रशासन द्वारा निविदा प्रकाशित की गई थी। इसमें मनपा प्रशासन ने नागपुर के पुराणिक ब्रदर्स की एजेंसी नियुक्त किया। अमृत मुहिम के अंतर्गत जलापूर्ति योजना के लिए सरकार ने 110 करोड़ रुपए तथा भूमिगत गटर योजना के लिए 68 करोड़ की निधि मंजूर की थी। अकोला शहर में जलकर के लंबे चौड़े बिलों का वितरण किया गया है, जबकि शहर के अधिकतर परिसरों में बड़ी मुश्किल से सप्ताह में 2 बार ही जलापूर्ति हो रही है। पहले प्रतिदिन जलापूर्ति की जाए, बाद में जलकर की वसूली की जाएगी। इस मांग को लेकर शिवसेना की ओर से अकोला मनपा पर मोर्चा निकाला गया और पानी के बिलों की होली जलाई गई। बारशिटाकली तहसील के महान परिसर में हल्की बारिश हुई है और उजड़ेश्वर निम्भारा खेड़ा भागई दोनद इस परिसर के गांवों में जोरदार बारिश हुई है, जिससे किसानों ने बुवाई कार्य आरंभ कर दिया है। अब खेतों में बुवाई की हलचलें तेज होते दिखाई दे रही है। महान परिसर में बीते साल की तुलना में इस साल आज तक की बारिश कम दर्ज की गई है। निगम की बस में सहूलियत लेने वाले यात्रियों को 30 जून के पूर्व स्मार्ट बनवाना आवश्यक है, अन्यथा उसके पश्चात यात्री को टिकट की पूरी कीमत अदा करनी होगी। निगम के अनुसार 19 जून तक 1000 यात्रियों को स्मार्ट कार्ड बनाकर वितरित किया जा चुका है। जिले में कोविड वैक्सीनेशन को गति देना आवश्यक है। इसके लिए जल्द शुरू होने वाली शालाओं की समय सारिणी को देखकर शाला निहाय वैक्सीनेशन सत्रों का नियोजन करें, ऐसे निर्देश जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने दिए। इसके अलावा जिले के शासकीय कर्मचारियों के बूस्टर डोज के लिए भी नियोजन करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को जिला कृति दल समिति की बैठक में दिए। दिव्य हिंदी न्यूज, न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, IT प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। आज ही दिव्य हिंदी से जुड़े। इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमेशा अपडेट रहे। धन्यवाद।